यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम सियासी दल अभी से ही मिशन 2017 के लिए कमर कस चुके हैं। सियासी नफे नुकसान के हिसाब से मुद्दों को हवा भी दी जा रही है। तो यूपी के केराना में हिंदू परिवारों की कथित पलायन के मामले पर सियासत तेज होती जा रही है। आज बीजेपी की एक टीम केराना जाएगी और मामले की जांच करेगी। तो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना की अगुवाई में टीम केराना और उसके आसपास के गांव में जाकर मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि केराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया है कि केराना से 346 हिंदू परिवारों ने डर के चलते पलायन किया है। हुकुम सिंह ने पलायन करने वालों की बकायदा एक लिस्ट भी जारी की है। तो वहीं केराना में हिंदू परिवारों के कथित पलायन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से अब रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार से केराना मामले पर अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। श्रवण शर्मा हमारे साथ है। श्रवण, ये कहें कि एक तरफ हुकुम सिंह जो अपनी लिस्ट पर कायम है, तो वही प्रशासन का कहना है कि नहीं, जो लिस्ट है वो झूठी है। अब किस तरीके से आगे एक्शन लिया जा रहा है, सच सामने लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? ये बिल्कुल जिस तरीके से हुकुम सिंह जी के द्वारा 340 लोगों की पहले सूची सामने लाई गई थी और उसके बाद जिस तरीके से शासन प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस सूची को झूठी साबित करने के लिए तो लोगों को जांच रिपोर्ट के बारे में बताया कि ये अन्य कारणों के कारण वहां से गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया और उनके पास तक कर गए, उन्होंने अपना सच रखा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग इस पर लीपापोती कर रहे हैं और सरकार इससे अपने आप बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं कल हुकम सिंह के द्वारा दूसरी कांडला की सूची जारी गई है जिसमें 63 लोगों की नाम शामिल है। उस पर भी हमने जानने की कोशिश की और उसके सच को जानने के लिए हम कांडला के कुछ घरों तक पहुंचे जिसमें उनके आस पड़ोस वालों लोगों ने ये बोला कि ये लोग हाँ यहाँ पे चले गए हैं और बीते एक दो सालों में यहाँ पे गए हैं और डर और दहशत की वजह से ये लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जी चलिए श्रवण, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।